बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज हमारे पास है होंडा ड्यू, आप देख ही सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको बताता हूँ। जब अपन इसको किक स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी किक से तो स्टार्ट हो रही है, मगर दोस्तों अगर हम इसका सेल्फ से स्टार्ट करेंगे तो ये सेल्फ कुछ बोल ही नहीं रहा। सो दोस्तों, इसी के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए आज हमें ये पैनल ओपन करना होगा। तो फटाफट से ये आगे का ओपन कर लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। फाइनली हमने इसे ओपन कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ से सेल्फ अगर ले ले स्वीप ब्रेक दबा के, तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अगर ये भी ब्रेक दबा के सेल्फ ले ले तो भी नहीं कुछ हो रहा। इसके लिए दोस्तों हमने इस स्विच को भी डायरेक्ट करके देख लिया, आप भी डायरेक्ट करके देख लो, शायद हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। सो ये डायरेक्ट करके भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। स्विच को हमने डायरेक्ट भी करके चेक कर लिया। सो अभी दोस्तों हमें फाइनली इसका अर्थिंग चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा सिंपल सा एक वायर ले लीजिए, इसको बॉडी के साथ कहीं भी टच कर दीजिए और उस वायर को ये स्टार्टर रिले में जो वाइट वाला तार है, ये देखिए वाइट पे ग्रीन पट्टी दोस्तों, इसमें हमें ये अटैच कर देना है। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कहीं हमारे स्कूटर में अर्थिंग का तो प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाऊंगा इस वायर को आपको यहाँ पे लगा देना है। अब दोस्तों हम स्टार्टर मार के देखते हैं। देख सकते हैं फिर भी नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक स्विच का भी प्रॉब्लम है इसका, राइट साइड से नहीं हो रही। जब लेफ्ट का ब्रेक हम लोग दबा रहे हैं तो स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप, आपके साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार चेक कीजिए। ये देखिए आपको बता दूँ, ब्रेक दबाया और यहाँ से स्टार्ट। ये देखिए चालू है भाई स्कूटर, सॉरी। सो ये सक्सेसफुली सेल्फ का प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर दिया है। सो यहाँ से अर्थिंग मैंने तो यहाँ पे दी है, आप बॉडी में कहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके गाइज, तो फटाफट से हम लोग लगा लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए। सबसे पहले आप ये सेल्फ का बटन जो है ये चेक कीजिए, उसके बाद आप रिले चेक कीजिए, चेंज करके देखिए, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इस तरह से अर्थिंग देके चेक कीजिए। ओके दोस्तों।